फ्रेंड्स, जब जियो 4G फ़ोन लॉन्च हुआ था तो दूसरी कंपनी के ऑपरेटर भी कहने लगे कि वो भी अपना 4G स्मार्टफोन मार्केट में जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एयरटेल की कंपनी की तरफ से कार्बन के साथ मिलकर कार्बन A40 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था। उसके बाद BSNL कंपनी की तरफ से भी 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था, जो कि माइक्रोमैक्स कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया था भारत फर्स्ट। लेकिन अब वोडाफोन कंपनी की तरफ से भी 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है, और वो भी माइक्रोमैक्स कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया जा रहा है भारत सेकंड अल्ट्रा स्मार्टफोन, जो कि आपको 999 रुपये में मिलने वाला है। तो कैसे मिलने वाला है आपको 999 रुपये में भारत 2 अल्ट्रा स्मार्टफोन, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी ही न्यूज़ आपको और चाहिए तो आप हमारे चैनल न्यू टिप्स को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है सबसे पहले जानकारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वोडाफोन की तरफ से स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है भारत 2 अल्ट्रा स्मार्टफोन, और ये 4G वोल्टी फ़ोन होने वाला है। ये बताया जा रहा है कि ये फ़ोन आपको पड़ने वाला है 999 रुपये में, लेकिन जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो है 2899 रुपये। शुरू में आपको 2899 रुपये की पे करने ही होंगे, उसके बाद आपको इस फ़ोन में वोडाफोन का सिम लगाना है, और यहाँ वोडाफोन की तरफ से जो प्लान दिया जा रहा है वो 150 रुपये वाला है दिया जा रहा है। प्लान के बारे में जानकारी निकल कर अभी तक सामने नहीं आई है। तो अगर आप ये फ़ोन ले लेते हो और 18 मंथ तक यूज कर लेते हो तो वोडाफोन की तरफ से आपको 900 रुपये वापस दे दिए जाएंगे, वो भी आपके एम पैसा अकाउंट में, यानी वोडाफोन का जो एम पैसा ऐप है वहाँ पर आपको कैशबैक मिलने वाला है, ना कि डायरेक्ट कैशबैक मिलने वाला है। तो 18 महीने के बाद में आपको 900 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही अगर आप इस फ़ोन को 36 महीने तक यूज कर लेते हो तो आपको 1000 रुपये का और कैशबैक मिल जाएगा। तो टोटल कैशबैक मिल जाएगा 1000 और 900, 1900 रुपये का कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो यानी फ़ोन आपको पड़ने वाला है 999 रुपये में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।